तो पहला सवाल है, भारत का वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? ए पीयूष गोयल, बी राजीव सक्सेना, सी अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। तो इसका उत्तर है ए पीयूष गोयल। दूसरा प्रश्न है, नासा कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी चीन। इसका उत्तर है बी अमेरिका। तीसरा प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य की शुरुआत कहां से हुई? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है ए गुजरात। चौथा प्रश्न है, हिंदू पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 12, सी 18 या डी 20। इसका उत्तर है सी 18। पांचवा प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। इसका उत्तर है डी चौथे स्थान पर। छठा प्रश्न है, इंडियन आर्मी का उच्चतम पद कौन सा है? ए जनरल, बी फील्ड मार्शल, सी मेजर या डी सोल्जर। इसका उत्तर है जनरल, इंडियन आर्मी का उच्चतम पद है। सातवां प्रश्न है, इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 12 फरवरी या डी 15 फरवरी। इसका उत्तर है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति और बुध, बी बृहस्पति और मंगल, सी पृथ्वी और बुध या डी बुध और बृहस्पति। इसका उत्तर है ए बृहस्पति और बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या डी हीरोग्लाइफिक्स। इसका उत्तर है बी ब्राही। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी फास्फोरिक एसिड या डी क्लोरिक एसिड। इसका उत्तर है ए साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ए बिरहा, बी बुलबुल, सी बकुल या डी परिहा। इसका उत्तर है बी बुलबुल नाम था। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 किसने जीता है? ए कोलकाता नाइट राइड्स, बी गुजरात टाइटंस, सी मुंबई इंडियन या डी चेन्नई सुपर किंग्स। इसका उत्तर है बी गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। इसका उत्तर है बी गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर या डी बीकानेर। इसका उत्तर है ए जोधपुर को। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री है? ए 12वें, बी 13वें, सी 14वें या डी 15वें। इसका उत्तर है सी, नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ए 20,
बी 21, सी 22 या डी 23? इसका उत्तर है सी 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, अमित शाह क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री या डी शिक्षा मंत्री? इसका उत्तर है बी गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, मार्क जुकरबर्ग कौन सी एप्लीकेशन के संस्थापक हैं? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी याहू या डी टिंडर? इसका उत्तर है ए फेसबुक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा या डी उपाध्यक्ष? इसका उत्तर है बी राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर उपसभापति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? ए लुधियाना, बी चंडीगढ़, सी अमृतसर या डी दिल्ली? इसका उत्तर है सी अमृतसर। अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा? इसका उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई क्या है? ए लुमेन, बी जोल, सी जूल प्रति सेकंड और वोट, डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है सी जूल प्रति सेकंड और वोट। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए थॉमसन, बी ब्रागोस, सी जॉनसन या डी रोंटगन? इसका उत्तर है डी रोंटगन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या डी नूरजहां को? इसका उत्तर है बी सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ए कलपक्कम, बी कोरबा, सी तारापुर या डी ट्रांबे? इसका उत्तर है सी तारापुर। अगला प्रश्न है, किस देश में लिखित संविधान नहीं है? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी फ्रांस या डी बेल्जियम? इसका उत्तर है ए इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जुलाई को, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई या डी 13 जुलाई को? इसका उत्तर है बी 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और रंगीन तस्वीर ली है? ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बी यूनिकॉर्न टेलीस्कोप, सी निब्बल स्पेस टेलीस्कोप या डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, किस देश के नेता की हत्या की वजह से भारत ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुकाया गया? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी ताइवान या डी चीन? इसका उत्तर है बी जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की वजह से भारत ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर अपना झंडा झुकाया था। तो दोस्तों, इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।